दोस्तों, कोरोना वायरस ने लगभग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है और तो और दिन प्रतिदिन यह वायरस बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कोरोना वायरस के कारण जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद किए गए हैं और साथ ही जितने भी एग्जाम्स को पोस्टपोन किया गया है, उन पर इस वायरस का क्या प्रभाव पड़ेगा। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए एवं इसके संक्रमण को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ समय के लिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बंद करने का निर्णय लिया, जो कि बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस पर काबू पाने वाला एंटीडॉट या वैक्सीन निकल जाएगा। पर क्या होगा अगर इस पर काबू ना पाया जा सके या फिर इसके संक्रमण को रोकने के लिए ज़्यादा समय लग जाए? अगर ऐसा हुआ तो मजबूरन कुछ और समय के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद रखना पड़ेगा। कोरोना वायरस का सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर ही नहीं, बल्कि इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के साथ साथ 170 से भी ज़्यादा देशों में स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद हैं। सबसे पहले 26 जनवरी को चाइना में यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स को बंद किया गया। इसके बाद ईरान्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड स्कूल्स को बंद किया और 3 मार्च को 13 देशों में स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद किए गए। 4 मार्च को इटालियन गवर्नमेंट ने भी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज को बंद करने का आदेश दे दिया, क्योंकि वहाँ कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 100 से भी अधिक हो गई थी। और देखते ही देखते 13 मार्च तक 49 देशों में स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस इतना तेजी से फैल रहा था कि 28 मार्च तक लगभग दुनिया के 90% स्टूडेंट्स पर इसका प्रभाव पड़ा और अब 170 से भी ज़्यादा देशों में स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद है। मतलब ये कि टोटल 1.7 बिलियन स्टूडेंट्स पोटेंशियली एट रिस्क पर हैं। फिलहाल कोरोना वायरस का एजुकेशन सिस्टम पर खास प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अगर इस पर जल्द से जल्द काबू ना पाया गया तो एजुकेशन सिस्टम पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसका बुरा परिणाम यह होगा कि जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं वह समय से बहुत पीछे हो जाएंगे। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, कोरोना वायरस के कारण एजुकेशन सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? कमेंट करके मुझे अपना सुझाव जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। धन्यवाद।